हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाएं। और अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर लेना है। तो हम अपना शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके रख लिए हैं और उसको एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी। तो आप किसी भी एप्लीकेशन से एडिट कर सकते हैं। तो मैं इन शॉर्ट एप्लीकेशन से एडिट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सिंपली वीडियो वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली न्यू वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो वीडियो आप यहां पर क्रिएट करके रखे हो, जो शॉर्ट वीडियो आपका है, सिंपली उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अपना ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली नीचे राइट साइड सही के निशान पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरह का इंटरफेस में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करने के लिए कैनवास इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ से अपना 9:16 इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक आपको थंबनेल सेट करना पड़ेगा, जो कि कोई भी एक बढ़िया सा फ़ोटो आप एडिट करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपको इस वीडियो में थंबनेल लगाना पड़ेगा। तो वीडियो में थंबनेल लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को स्लाइड कर देंगे पूरा ऐसे इस तरह। इसके बाद आप जो भी फ़ोटो थंबनेल लगाना चाहते हैं तो सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद वीडियो या फ़ोटो वाले आइकन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप जिस भी फ़ोटो को थंबनेल के रूप में लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम ये वाले फ़ोटो को थंबनेल में लगाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करके सिंपली राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर वो फ़ोटो थंबनेल हमारा आ चुका है। अब इस थंबनेल को वीडियो के लास्ट में लगाना है, या जो आप थंबनेल सेलेक्ट करोगे वो वीडियो के लास्ट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब इस शॉर्ट वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर राइट साइड सेव आइकन पर क्लिक कर देना। सेव आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो 1080p इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से फ्रेम रेट 30 करना चाहते हैं तो 30 कर सकते हैं, हम 60 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पर ऐड शो कर रहा है, यहाँ पर आपको वेट करना है या फिर इस ऐड को यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमारा वीडियो कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपली हमें यहाँ पर कुछ समय वेट कर लेना है जिससे हमारा वीडियो सेफ हो जाए। यहाँ पर हमारा वीडियो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। और वीडियो पूरा देखना, तभी आपको शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाते बिल्कुल आसान तरीका से सीख पाएंगे। यहाँ पर हमारा वीडियो सेव हो चुका है, हम यहाँ से सिंपली बैक हो जाते हैं। यहाँ से पूरा बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद सिंपली हम अपना YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्रिएट ए शॉर्ट, सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप जो भी वीडियो सेव किए हैं अभी, उस वीडियो को सिंपली यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना। तो हमारा ये वाला वीडियो है, सिंपली हम इस वीडियो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये वीडियो हमारा यहाँ पर आ चुका है, सिंपली हम यहाँ डन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको वेट कर लेना है, कुछ सेकंड प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, सिंपली राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ऊपर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली आपको थंबनेल लगाने के लिए ऊपर लेफ्ट साइड पेन के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपका फ़ोटो या थंबनेल जो आप लास्ट में ऐड किए थे, सिंपली इसको स्लाइड करके आप वहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद नीचे डन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल बिल्कुल यहाँ पर सेट होके रेडी हो चुका है। अब इस शॉट को अपलोड करने के लिए नीचे अपलोड शॉट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपलोड शॉट पर क्लिक करते ही हमारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अपलोड होने के बाद अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन से आप वीडियो को थंबनेल टाइटल टैग लगाकर पब्लिश कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।